ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब तक के कैपेसिटर चैप्टर में हम लोगों ने जो कैपेसिटर के अंदर दो कंडक्टर्स होते हैं, जैसे पैरेलल प्लेट में दो प्लेट हो गए, स्फेरिकल वाले में दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हो गए और सिलेंडर वाले में दो सिलेंडर हो गए। बच्चों, इन दोनों कंडक्टर्स के बीच का जो सेपरेशन होता है या मीडियम होता है, वो हमेशा हमने अभी तक एयर मान के रखा था, इसलिए टीचर हर जगह पे एप्सिलन नॉट इस्तेमाल करता था, ध्यान दोगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, उस कैपेसिटर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, नॉट एफिशिएंसी, कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए व्हाट वी डू, हम उसके बीच में एक अलग मीडियम को इंसर्ट कर देंगे एंड दैट मीडियम मस्ट कंटेन सम प्रॉपर्टीज। और वो प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों, कि वो एक तरह का वीक इंसुलेटर होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो वही हो गया कंडक्टर तो किस बात का इधर प्लस रखेगा इधर माइनस रखेगा। सो जैसे ही आप कोई कैपेसिटर बच्चों, जैसे फैन वगैरह का जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, उसे आप ब्रेक करोगे ना, तो दोनों टर्मिनल के बीच में एक पॉलीथीन का रैप मिलेगा आपको। दैट सर्व्स द पर्पस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है दे आर वीक इंसुलेटर्स, कंडक्टर नहीं, स्ट्रीम कंडक्टर इंसुलेटर हो गए। तो जो वीक इंसुलेटर्स होंगे ना, वो होते हैं बच्चों डाइलेक्ट्रिक। और इसका एक वर्ड के फॉर्मेट में आप पढ़ के आते हो चैप्टर नंबर 1 और 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो ये कहते हैं बच्चे लोग, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के नाम से बताया जाता है। तो मैं वो सब लिख देता हूँ, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे आएगा, वो सब भी समझाया जाएगा। सो यहाँ देख लो बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये एक तरह की नंबर वैल्यू थी, न्यूमेरिकल वैल्यू, जो आपसे बोलते थे टीचर्स की फोर्स को डिवाइड कर देना किसी मीडियम के फोर्स से, लेकिन उतना डेप्थ में जाके वहाँ स्टडी नहीं करते हैं, बिकॉज वहाँ उतना ही बताया जाता है, वी आर रिस्ट्रिक्टेड इन दैट चैप्टर। बट अभी अपन को डिटेल में जाके पढ़ना है। वो जो वीक इंसुलेटिंग मीडियम है उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक, उसकी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, इसे आप बोलोगे डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, विच इज डिनोटेड बाय के, एंड एज यू ऑल नो दैट के बराबर 1 किसके लिए होता है बच्चों, एयर के लिए, के बराबर इन्फानाइट किसके लिए होता है, कंडक्टर के लिए, और के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और किसी भी मीडियम के लिए होगी। तो जैसे मान लो लेट अस से सम अदर मीडियम, इतनी बात तो अपन जानते ही हैं। अब मैं कोई एयर फील्ड कैपेसिटर के बारे में बात करने जा रहा हूँ, एयर फील्ड कैपेसिटर। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना बच्चों, कि एक लिमिट के बाद आप चार्जेस भरते चले जाओगे ना, एक लिमिट के बाद आप यहाँ चार्जेस सेपरेट करते चले जाओगे इस पर्टिकुलर सेपरेशन पे, तो ये दोनों फिजिकली आइसोलेट नहीं रहेंगे, ये चार्ज डिस्चार्ज भी कर देंगे सामने वाली प्लेट को, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम पोटेंशियल विच विल बी बिल्ट, बिकॉज आपने यहाँ पर सिग्मा पॉजिटिव और सिग्मा नेगेटिव ला दिया है। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही होगी आपको, यहाँ पर सेटअप करी हुई मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं चाहता हूँ कि इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल जो एबिलिटी है वह बढ़ जाए, ताकि ये अपना कैपेसिटर चार्ज और कैपेसिटी अपनी इंक्रीज कर ले, ठीक है। तो जो ब्रेकडाउन का पोटेंशियल होता है ना, उसे इंक्रीज करने के लिए, ब्रेकडाउन पोटेंशियल बढ़ाने के लिए व्हाट आई डू, मैं इस पूरे रीजन पे एक अलग से इंसुलेटर ला के रख दूंगा, वीक इंसुलेटर रहेगा, स्ट्रांग इंसुलेटर नहीं रहेगा, कुछ कुछ चार्ज उसके पास भी होंगे। तो आप बोलते हो सर, अगर आप यहाँ पे कोई और इंसान लाते हो तो एप्सिलन नॉट की जगह पे ये वाली जो प्लेट्स है ना, देखो ये वाली जो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स पे अब सर ने क्या करा है, कोई मीडियम ला के रख दिया है, उसका कॉन्स्टेंट के होता है, उसका एप्सिलन से बुलाया जाएगा उसकी परमिटिविटी को। और आप बोलोगे सर ऐसा भी पढ़ाया गया हमको इलेक्ट्रोस्टैट में के बराबर एप्सिलन आर होता है, मैं बोलूँगा वेट करो वहाँ पहुँचेंगे, डाइलेक्ट्रिक बराबर रिलेटिव परमिटिविटी होता है, दोनों के दोनों नंबर होते हैं। अब मुझसे इसके बारे में बात करने दो, ये जब कोई दो कंडक्टर जिसके पास पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल है, सिग्मा का पॉजिटिव है सिग्मा का नेगेटिव है, उनके बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक ला देते हो तो इट सर्व्स सेवरल पर्पसेस। जो फर्स्ट पर्पस है बच्चों वो ये है कि एडवांटेजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मैं लिख के देते जा रहा हूँ, आप एज इट इज नोट करते चले जाइएगा और हम लोग यहाँ से इसको आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। जो फर्स्ट एडवांटेज है वो क्या रहेगा, वो ये कहता है कि जैसे डाइलेक्ट्रिक लाते हो ना, देन यू आर अलाउड टू ब्रिंग दो टू प्लेट्स क्लोज टू ईच अदर, और प्लेट्स पास लेकर आते हैं तब भी बच्चों यहाँ पर पोटेंशियल, जो मैक्सिमम पोटेंशियल है, जो ब्रेकडाउन पोटेंशियल है, वो अपन बढ़ाया जा सकता है डाइलेक्ट्रिक लगाने से। तो अपन ये लिख सकते हैं इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम, मैं लिख देता हूँ इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनिंग, इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनिंग टू प्लेट्स ठीक है क्लोज टू ईच अदर।
अदरवाइज आपको एक डेफिनेट सेपरेशन देना ही पड़ता। डायलेक्ट्रिक ला के आप उनको पास पास रख सकते हो, बीच में कैनवस रख दो या कोई शीट रख दो, इंसुलेटिंग शीट रख दो, या आप जो वॉल फैन में जो होते हैं ना बच्चों कैपेसिटर्स, उसको ब्रेक करोगे तो थिन फिल्म निकलेगी, वो होता है डायलेक्ट्रिक बच्चों, है ना। प्लास्टिक की पेन फिल्म निकलेगी, वो देख लेना, देखना मत ऑब्वियसली। सो क्लोज टू ईच अदर, ये हो गया बच्चों मेरा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कहता है ऐसा करने से इसका जो मैक्सिमम ब्रेकडाउन पोटेंशियल है दोनों प्लेट का वो बढ़ जाएगा। सेकेंड पॉइंट कहता है बच्चों कि इन दोनों के एंड्स पे जितना मैक्सिमम पोटेंशियल अपन लगा सकते हैं वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ पर एयर होता और इस पर आप चार्ज भरते जाते तो एयर बच्चों जल्दी आयनाइज होता है एज कंपेयर्ड टू योर डाइलेक्ट्रिक। तो आप कह सकते हो कि सर जो मैक्सिमम पोटेंशियल ब्रेकडाउन पोटेंशियल है इस जगह पे वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आप कहना है सीधा सीधा इट इंक्रीजेस द मैक्सिमम, ठीक है, पोटेंशियल दैट कैन बी अप्लाइड टू द प्लेट्स, ठीक है, विदाउट द ब्रेकडाउन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो मैं लिखता हूं कॉमा लगा के यहां पे विदाउट द ब्रेकडाउन। बच्चों ये तो मेरे दो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हो गए, वाइवो में याद कर लेना। क्यों लगाया डायलेक्ट्रिक? सर दो प्लेट को पास में रख सको इसलिए लगाया। फिर बोले और क्यों लगाया? तो बोलना सर ज्यादा पोटेंशियल दे सकते हो आप इसके अंदर। पहले क्या था, एयर में एक लिमिट के बाद पोटेंशियल दोगे ना बस कर जाएगा वो, चट चट आवाज आती है अगर ये ब्रेक करते, अगर आप प्रोजेक्ट वर्क में काम करते हो तो ज्यादा अपने लगा दिया पोटेंशियल तो ब्रेक कर जाएगा, है ना। चलो उसकी बात नहीं करते, यहाँ थ्योरी पे आते हैं विदाउट द ब्रेकडाउन। थर्ड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे पेज पे, आपको यही चीज लेकर जानी है। मैंने कहा था ये कंप्लीटली इंसुलेटेड तो नहीं है, वीक इंसुलेटर है। तो जैसे ही बच्चों आप लोग किसी भी डाई इलेक्ट्रिक के पास लाते हो, है ना, किसी भी प्लेट्स पे आप डाई इलेक्ट्रिक को इसको इस तरह से इंसर्ट कर देते हो, लेटस से सर ने डाई इलेक्ट्रिक को ला दिया, तो प्रीवियसली तो बच्चों यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी उसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? ई नॉट, बोलो हाँ होगा। और इन दोनों एंड्स पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको बच्चों आप वी नॉट बोल देना। लेट से ई नॉट वी नॉट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है और ये एयर फील्ड कैपेसिटर है यहाँ तक का। हमने क्या किया था बच्चों, इस पे डाई इलेक्ट्रिक को रख के थोड़ा बहुत मैंने समझाया था। अब देखो एक्चुअल में क्या होगा, मेरे पास इस पूरे डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो E डैश होगी और पोटेंशियल भी क्या होगा V डैश। इन दोनों की वैल्यू को ड्रॉप कर देता है ये, ताकि आप इसमें और बढ़ा के लगा सकते हो पोटेंशियल। तो ये कहता है व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड इन द कैपेसिटर, मैं लिखता हूं पूरा पॉइंट बच्चों ध्यान से देखना, यही चीज पूरे पेज पे आपके काम की है और लेकर जाना है आपको यहां से पढ़ के। ये हो जाएगा when dielectric is placed in capacitor, it serves three purposes mathematically। ये तो दो तो खत्म हो गए। इसमें बोल सकते हो कि सर अगर वहां पर चार्ज आपने फिक्स करके रखा था, लेटेस्ट से यहां पर प्लस का चार्ज है, यहां माइनस का चार्ज है, चार्ज अगर कांस्टेंट है, ये बात मेंशन करना होगा, वरना बाद में ना बैटरी वाले क्वेश्चन में ये लॉजिक कहीं ना कहीं डिबेटेबल बन जाता है। तो मैं पहले अपने आपको सेफ साइड कर रहा हूँ, चार्ज कॉन्स्टेंट है। तो भैया सुन लो, जो कैपेसिटी होगी नई वाली वो पुरानी वाली से बढ़ जाएगी के टाइम, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों नया वाला वो हो जाएगा पुराने वाले से डिक्रीज, और जो पोटेंशियल होगा नया वाला वो हो जाएगा पुराने वाले से डिक्रीज। सो दीज आर द थ्री टर्म्स विच यू नीड टू कंसिडर बिफोर अंडरस्टैंडिंग डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक ये दो काम तो थ्योरेटिकली कर ही रहा है कि ये दो प्लेट्स को आप पास पास रख सकते हो, दूसरा इन दोनों प्लेट्स पे आप ज्यादा बड़ी बैटरी से चार्ज कर सकते हो। पहले का 2-1 वोल्ट में ये पट पट करके फूट जाता, अब क्या होगा ब्रेकडाउन पोटेंशियल जो रहेगा वो ज्यादा लगाया जा सकता है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डाइलेक्ट्रिक। व्हाई? सर वो अंदर का पोटेंशियल डिक्रीज कर देता है, जितना स्ट्रांग डाइलेक्ट्रिक लाओगे उतना कम कर देगा वो। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करा सर, वो भी कम कर दिया इसने। फिर क्या करेंगे, कैपेसिटी सर वो बढ़ गई। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मैं इनको प्रॉपर पॉइंट बना के फिर से लिख दूंगा, अभी इतना नोट कर लो बच्चों, और कोई डाउट है तो मुझसे आप कॉमेंट्स में लिख देना, I'll explain that too. All right, चलो आगे बढ़ते हैं।
बच्चों ये हमारे थर्ड वाले पॉइंट का एक कंटिन्यूएशन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ध्यान से देखते रहो, नोट्स बनाते चलो, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे जस्ट डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ के, के क्या है उस कांस्टेंट की वैल्यू जो भी आपने अंदर मीडियम रखा है, वन रख दो तो क्या बोलोगे सर एयर है, आपने तो मजाक किया है, वहां पे कोई मीडियम लाके रखोगे तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी। अब सुनो जो नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डैश, वो बोल देना सर एयर का डिवाइड बाय के, सिमिलरली नया वाला पोटेंशियल कितना हो जाएगा सर वी नॉट बाय के, और ये चीज ध्यान रखनी है कि क्यों ये आपने डायलेक्ट्रिक लगाया था बच्चों, द न्यू कैपेसिटी ऑफ दैट सेम कैपेसिटर आफ्टर पुटिंग द डायलेक्ट्रिक विल बिकम सी नॉट टाइम्स के, तो ये याद रखें, ये याद रखें और ये याद रखें, ये तीनों तब लिखा गया है जब हमारे पास चार्ज क्या है कैपेसिटर पे कॉन्स्टेंट है। बैटरी लगाए लगाए काम करोगे ना तो थोड़ा चेंज होगा, वो क्या होगा आई विल एक्सप्लेन इट इन द कमिंग टॉपिक्स, बट तब तक ये सोच लो कि मेरे पास नहीं सर के पास डायलेक्ट्रिक इस तरह से रखा हुआ था कैपेसिटर, उसके अंदर मैंने क्या किया कंप्लीटली इसको डायलेक्ट्रिक से भर दिया ले जाके, ले भाई अब ऐसा हो रहा होगा, जो नई फील्ड होगी वो ये, जो नया पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ये, जो नई कैपेसिटी होगी वो ये दोनों डिक्रीज करेंगे और ये इंक्रीज करेगा उसी के टाइम्स, जैसे के 20 या 30 आ गया आपके किसी इंसुलेटर का, तो सोचो इमेजिन करो पहले जो कैपेसिटी उससे 20 गुना बढ़ गई कैपेसिटी, सो जस्ट बाय पुटिंग अ इंसुलेटिंग मटेरियल और अ मीडियम और अ थिन फिल्म और अ थिन शीट, Not conducting sheet, thin sheet of any material जो conducting नहीं है, तो आपकी capacity बच्चों drastically बढ़ सकती है। ऐसी बनाए जाते हैं फिर solid state capacitor, वो यहाँ पे solid medium भर देते हैं जो बिल्कुल भी conducting नहीं होता। हमारे mobile phones, जैसे motherboard सुना होगा आप लोगों ने, computers के अंदर होते हैं, जहाँ जहाँ आप extreme usage वाले capacitors देखते हो वहाँ ये लगते हैं, of course in your mobile charger also it exists। तो देखो इसके बारे में अपन और पढ़ेंगे, अभी इन डिटेल चल रहे हैं, क्या करेगा डायलेक्ट्रिक कैसे बनेगा मैं अभी इसको एक्सप्लेन करके देता हूँ, इतना पूरा नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड योर डायलेक्ट्रिक। तो देखो बार बार टीचर कहता है आपसे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह हो जाएगा E नॉट बाय के, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि पोटेंशियल भी यहाँ पर ड्रॉप करेगा अगर चार्ज कांस्टेंट है, ये बोल रहा हूँ बार बार। तो ये कैसे आ रहा है बच्चों, इसके पीछे अपन को एक कंडक्टर को पढ़ना होगा एंड देन विल जम्प टू अवर डायलेक्ट्रिक। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब कभी आपको कंडक्टर बताया गया था तो बहुत सारी बातें करते हैं कि कंडक्टर के पास मिलियंस में इलेक्ट्रॉन्स हैं, दुनिया भर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो लाओगे उसका अपोज में इंड्यूस कर देगा, फलाना फलाना, बहुत बातें करी थी। सो लेट्स क्विकली कंपेयर बोथ ऑफ देम एंड देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड। ये बहुत सिंपलेस्ट मैनर होता है किसी बच्चे को समझाना कि कैसे डायलेक्ट्रिक ऑपरेट करेगा। तो मान लो सर के पास फिलहाल एक कैपेसिटर है, एक तरफ बच्चों प्लस का सिग्मा है और यहाँ माइनस का सिग्मा है, मतलब ये एक प्लेट होगा जिसपे पूरे पे क्या होगा बच्चों पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ बच्चों सबके पास क्या होगा नेगेटिव चार्ज। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट मेकिंग वन मेटालिक कंडक्टर इनसाइड इट, बिकॉज हम पहली बार किसको पढ़ रहे हैं बच्चे लोग, कंडक्टर को। क्या करता है कंडक्टर अगर किसी दूसरे की फील्ड में आ जाता है, तो एक आंसर तो पक्की बात बनता है कि सर इसके अंदर जो नेट फील्ड होगा वह जीरो होगा, याद है हमको ये बात तो, बट एक्सटर्नल फील्ड तो यहाँ से ऐसे जा रही है, देखो ना एक्सटर्नल फील्ड वो क्यों गया ऐसे, बिकॉज दिस पर्सन इज हैविंग मिलियंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। इस प्लस को देखकर बेचारे जितने प्लस यहाँ है ना बच्चों उतने माइनस ये बनाएगा, देखा देखी करेगा बढ़िया वाली एकदम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर नेगेटिव यहाँ आए हैं तो बच्चे लोग प्लस वाले चार्ज इस एंड पे आए होंगे ऑब्वियसली, तो एग्जैक्टली बाहर उतना ही फील्ड बन जाएगा, देखो ना। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट वाला बनता है, यहाँ पे क्या बनता है नॉट वाला, अंदर जीरो क्यों आ रहा है भाई, सोचो एक बार। एक्सटर्नल फील्ड जो है वो राइट साइड जा रही है, उसका नाम ई नॉट है, एक ना एक फील्ड इंड्यूस हुई है बैक साइड में, दोनों के बार बराबर बना है, थोड़ा ध्यान से देख लो, इसका नाम रख देना आप इंड्यूस। अब बोलना सर जी इन नेट फील्ड कितनी आ रही है आप बताओ,
नेट फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, तो इनसाइड कंडक्टर यहां से आता है बच्चों आंसर इसका। बाहर वाला इंसान का नाम ई नॉट है और अंदर वाले इंसान का नाम ई इनसाइड है, जीरो। क्यों भाई? अरे सर ये तो पढ़ाया जाता है ना, इक्वल चार्ज इंड्यूस करेगा ये, जितना यहाँ पे है ना उतना यहाँ पे नेगेटिव और उतना यहाँ पे पॉजिटिव, कुछ चेंज नहीं होगा यहाँ पे। तो लेटेस्ट से मुझे यहाँ इंड्यूस लिखना पड़ेगा और आप देखो ये प्लस के माइनस के जो इंड्यूस फील्ड का डायरेक्शन होगा वो बच्चों पलटा हुआ रहेगा। आप बोल सकते हो एक पॉइंट बना के, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट काफ़ी है समझाने के लिए। चलो अब चलते हैं अपन अपने डाइलेक्ट्रिक पे, जो आज का टॉपिक का सबसे बेहतरीन समझने वाली बात है। सर के पास डाई इलेक्ट्रिक आता है तो बच्चों ये इतना अमीर नहीं है इसके जैसा, ये इस इंसान, इसके पास दुनिया भर के चार्जेस है, इसके पास मिलियंस में इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस बेचारे के पास क्या प्रॉब्लम है ना बच्चों, वो देखो यहाँ लिखोगे आप प्लस का और यहाँ लिखोगे माइनस का, यू कैन डायरेक्टली राइट सर आप यहाँ पे चार्ज बनाइए और यहाँ क्या हो जाएंगे बच्चों, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव। जैसे ही आप एक डाई इलेक्ट्रिक को रखते हो, अभी इसके थिकनेस की बात नहीं करेंगे, विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। बच्चों यहाँ अपन लोग अब की बार क्या लेकर आए हैं, डाई इलेक्ट्रिक और टॉपिक शुरू करते मैं आपको बता रहा हूँ कि डाई इलेक्ट्रिक इज नॉट अ कंडक्टर, इट्स अ वीक इंसुलेटर, एक्सट्रीमली स्प्रेड भी नहीं करेगा, कुछ चार्ज होंगे, दो चार चार्जेस होंगे। तो वही जो दो चार चार्जेस हैं वही बेचारे इन प्लस वाले को देख के इक्का दुक्का चार्ज यहाँ आ जाएंगे और ये नेगेटिव यहाँ आएंगे तो थोड़े बहुत प्लस तो यहाँ चले ही जाएंगे। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, बाहर तो बढ़िया उस्ताद बढ़िया एकदम फील्ड चल रही है, उस फील्ड का नाम होता है एयर वाली फील्ड ई नॉट, और यहाँ पर ही बाहर बच्चों बिल्कुल बेहतरीन वाली फील्ड चल रही है, उनका नाम क्या हो जाएगा ई नॉट। जैसे एयर में बढ़िया हवा चल रही है हम बोलेंगे सर मैक्सिमम फील्ड एयर में होती है और कोई और मीडियम नाटक करता है फील्ड के साथ, डिक्रीज करेगा, एंड दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ परमिटिविटी टू डिक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड हैपनिंग ओवर देयर। हमने पढ़ा है कहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये तो ये होगा ई नॉट और ये बच्चों ई नॉट है। अब मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे ई नॉट है, यहाँ पे ई नॉट है, यहाँ पे क्या चल रहा है? तो फ्रॉम द थ्योरी इटसेल्फ यू नो दैट कि सर इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश का होता है, बताया था मैंने आपको ई डैश का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और वही ई डैश का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है कि सर हर डाइलेक्ट्रिक चाहता है डिक्रीज करना, किसको, एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड को। द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम टू डिक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परमिटिविटी एंड द रिलेटिव वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी, दैट एग्जैक्टली इज डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। सो दिस के हियर इज यू कैन राइट एज डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, कॉन्स्टेंट। अब मुझे बताओ सर ये तो नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंड्यूस का नेगेटिव और यहाँ हो जाएगा प्लस इंड्यूस का नेगेटिव, ये दोनों बराबर नहीं है। देखो ना भाई दुनिया भर के चार्जेस हैं, यहाँ दो ही चार्ज है, बहुत कम, दुनिया भर के चार्जेस दो ही चार्जेस हैं। तो आप बोल सकते हो सर एक्सटर्नल फील्ड तो बढ़िया चल रही थी लेकिन इंड्यूस फील्ड बहुत ही कम आई। सोचो यहाँ पे हो रहा है टग ऑफ वॉर, राइट साइड वाली फील्ड और लेफ्ट वाली फील्ड बराबर आ गई तो जीरो, और यहाँ क्या होगा, मैं लिखता हूं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। ध्यान से देखना ये आज की क्लास का इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूं मैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाई इलेक्ट्रिक। क्या होगा, टग ऑफ वॉर हो रहा है, ये टीम अच्छी है ये टीम बेकार है, उस तरफ गया ई नॉट और थोड़ा ही पीछे आया बच्चों। तो आप बोल सकते हो कि सर जो नेट फील्ड होती है उसको आप ई डैश से बुला रहे हो और राइट साइड वाली का नाम है ई नॉट और पीछे आने वाले का नाम है ई इंड्यूस, ये टर्म थोड़ा ना बदल जाएगा भैया, ये वेक्टर की फंडामेंटल थोड़ा ना बदल जाती है, जो एक तरफ जाएगा वो प्लस पीछे आएगा तो वो माइनस। अब यह दोनों बराबर तो नहीं है, ये दोनों बच्चों बराबर तो बिल्कुल नहीं है। दैट इज वाई आई वॉज टेलिंग यू कि अपन को यहाँ पर फील्ड जीरो नहीं मिलती,
मेटल के अंदर फील्ड मिलती है, जैसे मान लो नेट फील्ड इनसाइड द मेटल इज जीरो, बट नेट फील्ड इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक इज नेवर जीरो, इट इज अ डिक्रीज फील्ड। यहाँ थोड़ा बहुत फील्ड होगा बच्चों, इतना नहीं होगा। कितना होगा? सर जी डिवाइड बाय के। क्यों? इसने आके अपोज कर दिया। अब ये कितना होगा ये अपन अगली क्लास में पूरा चेक कर देंगे। यहां से लिखना चाहो तो लिखा जा सकता है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, डेरिवेशन पूरा समझ के दूंगा, इसको वहां भेज दो तो ये हो जाएगा E नॉट माइनस E डैश, जिसको अगली लाइन में लिख सकते हैं E नॉट माइनस। प्यारे बच्चों ये क्या होगा, लेक्चर शुरू से बोल रहा हूं, बाद वाला फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर हो जाता है, उसे कहते हैं E नॉट बाय के, जहां से आप चाहो तो E नॉट बाहर निकाल लो और 1 माइनस 1 बाय के आपका आंसर होगा। इसको चाहो तो फ्रीज करके डाल लो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। तो इसको बढ़िया से अपन कहीं लिख देते हैं, यहाँ बच रही जगह मेरे पास, तो ये हो जाएगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, कितनी होगी, ई लिखेंगे नीचे इंड्यूस लिखेंगे, बड़ी वाली फील्ड ब्रैकेट में वन माइनस वन बाय के, व्हाट इज के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कहाँ से आया सर? रिलेटिव परमिटिविटी से आया। क्या होती है परमिटिविटी सर? ये एक प्रॉपर्टी है जो रोकती है इलेक्ट्रिक फील्ड को, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम टू डिक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड हैपनिंग ओवर देयर, और उसी की रिलेटिव वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, के। मतलब एयर से 10 गुना है स्ट्रॉन्ग तो 10, 20 टाइम्स है तो 20, वाटर 80 टाइम्स है तो 80, और मेटल 100 टाइम्स है। क्यों ले भाई, आ गया आंसर? और चाहो तो इस फॉर्मूले को, कहाँ गया ये वाले को, यहाँ लगा के देख लो। क्या लगाओगे सर? आप बता रहे हो तो लगा के देखते हैं क्या हो जाएगा। बच्चों बाहर की फील्ड ई नॉट है, डिवाइड बाय क्या आता है के। क्या पता है आपको मेटल के कितना होता है? मेटल का के मैंने अभी आपको लिख करके दिया बच्चों, इन्फानाइट है, और अगर किसी के नीचे इन्फानाइट आया है मतलब वह क्या होगा, जीरो। तो चाहो तो ये रट लो, चाहो तो ये समझ लो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, मैं यहां से बता रहा हूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक होती है ई नॉट बाय के, ये अपना थ्योरेटिकल आंसर है। उसमें इंड्यूस का आंसर बच्चों ये आ रहा है, इसके आगे अभी और चलेगा ये डाइलेक्ट्रिक, सो विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। और कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दिया करो, आई विल बी टेलिंग द आंसर्स एट माय बेस्ट कैपेबिलिटीज। और तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, आई एम योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर, ओके बाय बच्चों।